लो, तुम्हें खैर पता लग ही गया होगा कि आज का दिन भारत का एक राज्य उड़ीसा, उड़ीसा में जो बालासोर का ट्रेन का कांड हुआ वो बड़ा ही दुखदाई है, जिससे हमारे हृदय को बहुत पीड़ा पहुंची है, मन बड़ा व्यथित है। लगभग 280 लोगों से ज्यादा लोगों का शरीर दिवंगत हुआ है और बहुत से लोग अस्पताल में हैं। पहली अर्जी हम यही लगाएंगे कि जो अस्पताल में हैं बालाजी और सन्यासी बाबा, उनको निरोगी कर दे। बहुत से पत्रकारों ने हमको दिन में पूछा कि क्या आपको भारत में घटने वाली घटनाओं के बारे में पता लगता है, क्या आपकी शक्ति भारत में घटने वाली घटनाओं के बारे में संकेत कर पाती है। प्रश्न सुनकर हमें बहुत प्रसन्नता हुई। हमें उन यहाँ के, पहली बात तो पत्रकार बहुत ही सभ्य, बहुत ही सुलझे हुए और बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही सनातन के सपोर्टर हैं। एक बार यहाँ की भारत की चतुर्थ स्तंभ मीडिया है और मीडिया सत्य का प्रचार करके जानती है, ऐसी मीडिया की भूमिका निभाने वाले सभी साधु जनों को हम अपनी पीठ से मंगल कामना करते कि हमारे इष्ट हनुमान जी कृपा करें कि तुम्हारे जीवन में सद्बुद्धि बनी रहे और तुम्हारी अलाय बलाय आज से ही बालाजी के चरणों में बंध जावे। एक पत्रकार महोदय ने पूछा कि क्या आपकी शक्ति कोई बड़ी घटना भारत के बारे में संकेत दे पाती है। माय डियर, ठठरी के बरे तो कहेंगे नहीं, माय डियर प्यारे, यस। फिर आप कहोगे कि बोलते क्यों नहीं हो, जानना विषय अलग है, टालना विषय अलग है। जानना बात अलग है, उसको टालना बात अलग है। भगवान कृष्ण को भी पता था महाभारत का युद्ध होगा, लेकिन क्या वो टाल पाए? जानना अलग है, टालना अलग है। हाँ, लेकिन हम प्रतिदिन अर्जी अपने इष्ट के चरणों में लगाते हैं कि कोई भी अमंगल इस राष्ट्र का ना हो, पूरी दुनिया का मंगल हो, राष्ट्र का मंगल हो। फिर आप कहोगे कि आपकी चेतना या आपकी शक्ति क्या संकेत दे सकती है? जो संकेत दे सकती, कहां तक दे सकती? जहां तक पवन की गति है वहां तक संकेत मिल सकता है दरबार से, क्योंकि ये दरबार पवन पुत्र का है। फिर आपके मन में बहुत से प्रश्न और कौतुक करने लगे होंगे, तो मैं प्रार्थना करूं कि बहुत बार हमने राष्ट्र के लिए अर्जी लगाई, बहुत बार देश के लिए अर्जी लगाई, और बहुत से दिल्ली से लोग अनेक अनेक विषयों से संबंधित, चाहे वो वैज्ञानिक पद्धति की रिसर्च पर हो अथवा भूमिगत जल स्रोत के रिसर्च पर हो अथवा फिर साइंटिस्ट वैज्ञानिक मार्ग में आने वाले लोग हों, बहुत से लोग प्रायः गोपनीय तरीके से हमारे पास आते हैं और हम बताते भी हैं। और ये भी कह सकते हैं कि जब जब हमारे राष्ट्र को हमारे सदगुरुदेव सन्यासी बाबा की शक्ति की जरूरत पड़ेगी, हम राष्ट्र हित के लिए, चाहे वो आतंकी हमला हो, चाहे वो कोई छुपी हुई बात हो, जितना बल है उस बल पर बिल्कुल हमेशा अपने राष्ट्र के लिए अपनी शक्ति का सदुपयोग करेंगे। लेकिन मांगने से बिना रोए बालक को मां भी दूध नहीं पिलाती, उसी प्रकार जब तक कोई हमारे पास आएगा नहीं, जब तक अर्जी बालाजी के चरणों में लगाएगा नहीं, हम किसको मार्गदर्शन दे दें और कौन हमारी सुनने वाला? इसीलिए जो आता है उसकी हम अर्जी लगाते हैं, अब वो चाहे निजी पूछे या राष्ट्र की। इसलिए बालासोर जो ट्रेन का हादसा आज हुआ, 2 मिनट उसके लिए मौन धारण हम लोग यहाँ करें, इसके बाद दरबार की ओर बढ़ेंगे। तो सब लोग वहीं बैठे हुए हनुमान जी महाराज को प्रणाम करिए, बालाजी को प्रणाम करिए और सब लोग बोलिएगा, बैठ जाओ सब। आप अगर हमें मानते हो तो बैठ सी जाओ, तमें नक्कटा बैठ जा, बैठ सी जा, बैठ सी जा, बैठ सी जा।
सब लोग प्रणाम करो, सब लोग हमारे साथ बोलो, ओ शांति ही। शांति ही, शांति ही, शांति। हम बालाजी के चरणों में प्रार्थना करते कि जितनी दिवंगत आत्माएं हैं उनको भगवान के चरण प्राप्त हो गए, और जो अभी वर्तमान में अस्वस्थ हैं, हॉस्पिटल में हैं, हम सन्यासी बाबा से प्रार्थना करेंगे कि सेना वहां पर जावे बालाजी की, अब वो शीघ्र स्वस्थ हो जावें।